अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोज़गार की तलाश में दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपने गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से DDA फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया। इस मंच के माध्यम से BJP से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ BJP को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे, एक कारण बता दें। आपके पास इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां, आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने, झूठ बोला आपने, आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, DDA के जरिए आप जितना काम करा सकते थे करा सकते थे, वहां पे करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर, क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? नीयत नहीं थी, आपको गंदी राजनीति करनी थी, काम केवल हम लोगों ने कराया। एक काम बता दो, एक काम, मैंने इतने काम गिना दिए, 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। वो एक काम बता दो जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया।